मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को मूर्त रूप देने के लिए बीजेपी सुप्रीमो अमित शाह मिशन मालवा का शंखनाद करने इंदौर आ रही है, जहां वे महाजनसंपर्क अभियान का बिगुल भी फूकेंगे। देखिए रिपोर्ट। मालवा और निमाड़ की राजधानी में चुनावी बिसात बिछाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इंदौर उज्जैन दौरे पर आ रही हैं। जी हां, शाह के दौरे की तैयारियों को लेकर शासन और प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। जानकारी के अनुसार 6 अक्टूबर को अमित शाह इंदौर, झाबुआ, जावरा और उज्जैन में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। आइए जानिए क्या रहेगा अमित शाह का पूरे दिन का प्लान। अमित शाह 6 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे वायुयान से इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद एयरपोर्ट से सीधे इंदौर के राजवाड़ा पहुंचकर भाजपा की महाजनसंपर्क अभियान का शुभारंभ करेंगे। राजवाड़ा से 12 बजे चलकर दशहरा मैदान पहुंचेंगे, जहां इंदौर संभाग के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इंदौर कार्यक्रम के बाद वे हवाई जहाज से झाबुआ के लिए प्रस्थान करेंगे। उसके बाद दोपहर 2 बजे कॉलेज ग्राउंड झाबुआ में आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। झाबुआ से चलकर लगभग 4 बजे जावरा पहुंचेंगे और भगत सिंह कॉलेज ग्राउंड में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे उज्जैन पहुंचेंगे, जहां शहनाई गार्डन महानंदा नगर में उज्जैन संभाग के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दिनभर के चुनावी माहौल के बाद अमित बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। दर्शन के उपरांत इंदौर के लिए प्रस्थान करेंगे और इंदौर से विमान द्वारा दिल्ली रवाना होंगे। बहरहाल शाह के व्यस्तम दौरे से तो साफ है कि बीजेपी चुनाव तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।